بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته students how are you all hope you people are fine today I am going to teach you Urdu of class 5 सबक नंबर एक हम्द first of all I tell you students हम्द किसे कहते हैं हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं हम कम टू द पेज नंबर वन हम रीडिंग स्टार्ट रीडिंग तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया कैसी सी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया ये स्टूडेंट शायद क्या कहते हैं शायद तारीफ कर रहे हैं उस खुदा की जिसने तमाम जहां बना दिया और कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्शे खाकी यानी कि मिट्टी का फर्श अल्लाह ताला ने जो है इंसान के पैरों तले बिछा दिया और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया एक गहरा नीला रंग आसमान एक आसरा हमारे लिए अल्लाह ताला ने बना दिया मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए यानी कि अगर मिट्टी से बैल बूटे देखें तो अल्लाह ताला ने मिट्टी से ही क्या खुशनुमा खूबसूरत जो है वो बैल बूटे उगा दिए हैं पहना के सब्ज खिलत उनको जवां बनाया यानी कि बैल भुट्टो को पहना के सब्ज खिलत यानी कि कीमती लबास उनको जवां बनाया खुश रंग और खुशबू गुल फूल है खिलाए इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्ता बनाया शायर ने खुश रंग खुशबू गुल फूल है खिलाए यानी कि शायर कहते हैं कि क्या खुश रंग और खुशबू अल्लाह ताला ने फूल उगा दिए हैं इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्ता बनाया यानी कि जो खंडर है जमीन है वीराना है उसको बाग की सूरत में पेश कर दिया मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले यानी कि अल्लाह ताला ने मेवे बना दिए इंसान को खुश जायका और रसीले रस बड़े हुए चखने से जिनको जिनके मुझको शीरी दहा बनाया यानी कि जिनको चखने से मीठी बातें करने वाला बना दिया सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी रहने को ये हमारे अच्छा मका बनाया जी स्टूडेंट शायद कहते हैं कि सूरज बना के तूने जहां को रौनक बख्श दी और हमारे रहने को बहुत अच्छा मका जगह बना दिया ये प्यारी प्यारी चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती कुदरत ने तेरी उनको तस्वीर खवा बनाया जी स्टूडेंट शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो प्यारी प्यारी चिड़ियां बना दी हैं जो चहकती हुई नजर आती हैं और वो अल्लाह ताला की तारीफ करती हैं तस्वीर बयान करती हैं आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने मछली के तैरने को आबे रवा बनाया यानी कि अल्लाह ताला ने मछली बना दी है और उसके तैरने को एक बहता हुआ पानी फॉर एग्जाम्पल दरिया समंदर नहरें जो है वो बना दी हैं लास्ट शेर हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया इसका इमेजी जो है शायद वो कहते हैं अल्लाह ताला ने जो भी चीज बना दी है उसमें एक कारीगरी टपकती हुई नजर आती है और ये कारखाना बेकार नहीं बनाया कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स नज़म हम्द के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें नंबर वन मट्टी से डैश क्या खुशनुमा उगाए मट्टी से क्या उगा दिए बैल बूटे नंबर टू मेवे लगाए क्या क्या डैश रसीले खुश जायका ये डैश चिड़ियां फिरती हैं जो चहकती ये प्यारी प्यारी चिड़ियां नंबर फोर्थ फिल इन द ब्लैंक मछली के तैरने को डैश बनाया मछली के तैरने को क्या बनाया आबे रवा बनाया फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक डैश बना के तूने रौनक जहां को बख्शी तो क्या रौनक जहां बना के बख्शी सूरज नाउ स्टूडेंट कम टू द पेज नंबर थ्री कवायद हैं सवाल नंबर छः जहां और कहां हम काफिया अल्फाज हैं इनकी आवाज जो है इनकी मिलती जुलती है तो इसको कहते हैं हम काफिया कम अज कम छह अल्फाज ऐसे लिखे जिनके आखिर में नून गुन्ना आता है नून गुन्ना स्टूडेंट्स इनको बोलते हैं जो नून की सूरत में होता है लेकिन इसमें नून नहीं होता तो छह हम काफी अल्फाज हैं नंबर एक आसमां साइबा मकां गुलिस्तान दहा तस्वी हवा रायगा जहां जुबां और कारवा जी स्टूडेंट सवाल नंबर सात मंदरजा ज़ैल अल्फाज के हम अल्फाज मायनी अल्फाज लिखें तारीफ सना जहां कहते हैं दुनिया को
बख्शी में अता की। कारखाने कहते हैं काम करने की जगह को। खाक मिट्टी गुलिस्तान बाग। जी स्टूडेंट, कवायद में हरूफ इजाफत किसे कहते हैं? डेफिनेशन है हमारे पास हरूफ इजाफत स्टूडेंट का, की, के क्या है हमारे पास हरूफ इजाफत है। इनके जो ये तीन हैं, ये का, की, के हमारे पास क्या है हरूफ इजाफत है। ये दो इस्मों का आपस में ताल्लुक जाहिर करते हैं, यानी कि जब दो इस्म होते हैं उनका जो ताल्लुक है वो ये अल्फाज जाहिर करते हैं का, की और के। मसलन कायद का पाकिस्तान, तो का हमारे पास क्या है हरूफ इजाफत है। कौम के मोहसिन के स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है हरूफ इजाफत है। ये दो इस्मों को आपस में मिला रहा है। बिल्ली की चालाकी, इम्पोर्टेंट बात है, अहम बात इसमें क्या है स्टूडेंट्स, किसी लफ्ज़ के नीचे इस अलामत को, ये जो अलामत है ज़ेर की सूरत में, इसको भी हम क्या कहते हैं इजाफत कहते हैं। जब दो अल्फाज को एक साथ पढ़ा जाए तो पहले लफ्ज़ के आखिर में ये लगती है, यानी कि जब हम दो अल्फाज इकट्ठे पढ़ते हैं तो उससे जो पहला लफ्ज होता है उसके आखिर में ये ज़ेर लगती है। ऐसे अल्फाज में ये का, की, के मायने देती है, यानी कि जब ये ज़ेर लगती है किसी भी लफ्ज़ के नीचे, पहले लफ्ज़ के नीचे, तो ये का, की, के मायने भी देती है। मसलन शायर मशरिक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें स्टूडेंट्स, नजर आ रही काफ के नीचे जो है ये इजाफत का साइन है, तो ये हमारे पास ये भी क्या होगी हरूफ इजाफत होगी। याद रखें इजाफत दो अल्फाज को जोड़कर एक मायने देती है। शहर और कायद दो अलग लफज हैं मगर इजाफत की वजह से ये मुरक्कब बन जाते हैं, और एक बाब का मायने नया मायने देता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ क्या कहलाता है मुरक्कब कहलाता है स्टूडेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मुरक्कब। दो या दो से ज्यादा जब अल्फाज मिलते हैं जमा होते हैं तो उसे हम कहते हैं मुरक्कब। सवाल नंबर 8 है, फर्श खाकी में जेर अजाफत के तौर पर इस्तेमाल हुई है। देखिए स्टूडेंट, फर्श के नीचे शीन के नीचे जेर है तो उसमें जेर अजाफत के तौर पर इस्तेमाल हुई है। फर्श खाकी का मतलब है मिट्टी का फर्श। आप इजाफत वाले 6 अल्फाज लिखें। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 उसमें देखेंगे फर्शे गुल, ये हमारे पास क्या है हरूफ़े इजाफी है। कायदे आज़म बागे जनाह यादगारे पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान और मादरे मिल्लत। स्टूडेंट्स, जुमला की डेफिनेशन है अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे कही जाने वाली बात का मतलब समझ में आ जाए, यानी कि लफ्जों का मजमुआ है जिससे जो भी बात कही जाए उसका मतलब समझ में आ जाए। इसमें अल्फाज की तरतीब का दुरुस्त होना जुबानी जुबान दानी के हवाले से बेहद अहम है, यानी कि जब हम अल्फाज को तरतीब देते हैं तो उसके हवाले से ये अहम है। जुमला मुकम्मल होने की निशानी ये है कि उसमें खत्मा सवालिया निशान या अलामत ताज्जुब लगाई जाती है। मसलन लड़के ने सबक पढ़ा। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 है हमारे पास, मंदरजा ज़ैल इशारों की मदद से मुकम्मल जुमले लिखें। जैसे लिखा हुआ ना घोड़ा जानवर वफादार, हमने इन तीनों अल्फाज को जो है वो इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल जुमला बनाना है। जैसे घोड़ा एक वफादार जानवर है। नंबर 2 मतवाजन गजा सेहत और जरूरी, हम जब इसका मुकम्मल जुमला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मतवाजन गजा सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कायद आजम अजीम रहनुमा, जब हम तीनों इन जुमलों को इस्तेमाल करेंगे तो एक मुकम्मल जुमला बनाएंगे। कायद आजम एक अजीम रहनुमा है। नेक्स्ट अच्छे बच्चे बुजुर्गों अदब, तो इसका जुमला बनाएंगे मुकम्मल, अच्छे बच्चे बुजुर्गों का अदब करते हैं। ये आखिर पे जो है ये देखें खत्मा लगा हुआ है फुल स्टॉप। हवाई जहाज एजाद अहम, तो हम मुकम्मल जुमला बनाएंगे हवाई जहाज एक अहम एजाद है। लास्ट इज पानी जाया गुना, तो मुकम्मल जुमला बनाएंगे पानी जाया करना गुनाह है। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस रीडिंग बुक वर्क। नाउ कम टू द वर्क बुक सबक नंबर 1। वर्क बुक सफा नंबर 1, अल्फाज को मायने से मिलाइए। फर्श खाकी मिट्टी का फर्श, लाजवर्दी गहरा नीला रंग चमकदार, साइबा आसरा या छाओ,
खुशनुमा खूबसूरत खुश मंजर नजरों को भाने वाला, खिल्लत कीमती पोशाक, खंडर वीराना टूटा हुआ मकान किसी तामीर के शिकस्त आसार, शीरी दहां मीठी बातें करने वाला, तस्बीह खवा तस्बीह पढ़ने वाला, आबेरवा बहता हुआ पानी, रायगा बेकार बेमसरफ जाया या फिर अकारत। वर्कबुक सफा नंबर 2 दर्ज ज़ैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज है कारीगरी, अल्लाह ताला की कारीगरी की कोई मिसाल नहीं। नेक्स्ट वर्ड है जवां, फौजियों के हौसले जवां हो गए। जी स्टूडेंट्स, सवाल आपके जवाब हैं, सवाल नंबर 1 अलिफ, अल्लाह ताला हमारा पास बा है, साथियों से बात कीजिए गिफ्तो शनीद के बाद एक गुफ्तो शनीद के बाद एक मिसाल से वजाहत कीजिए। जवाब, कायनात में मौजूद हर शय अल्लाह ही की बनाई हुई है, हर मुश्किल में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाता है और तमाम बलाओं के बुरे असरात से हमारी हिफाजत करता है। वर्कबुक सफा नंबर 3, अल्लाह ताला की तारीफ में कोई शेर कहने की कोशिश कीजिए, अपने साथी से मशवरा कीजिए और इस्लाह के लिए उस्ताद मोहतरम को दिखाइए। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। नेक्स्ट जो है जीम पार्ट पे सवाल है, अपनी डॉटर को अल्लाह ताला की अता करदा बेशुमार नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं, ग्रुप में बात करके लिखिए। जवाब है स्टूडेंट्स, हमें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और फरमाबरदारी करनी चाहिए, गरीबों की मदद और उनको खाना खिलाना चाहिए, जो चीज हम अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए भी पसंद करें, इससे भी अल्लाह ताला की रजा हासिल होती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूरज का वक्ते मुकर्रा पर तुलू गुरूब होना अल्लाह ताला की निशानियों में से है। इस कायनात में बहुत से ऐसे निजाम मौजूद हैं जो वजूदे बारी ताला को साबित करते हैं, साथियों से बात करके चंद निजामों की निशानदही कीजिए। जैसे स्टूडेंट्स, चांद का निकलना, मौसम का बदलना, दिन और रात का होना और तारों का निकलना। वर्कबुक सफा नंबर 4, अल्लाह ताला की कुदरत किन किन चीजों से यहाँ होती है, फिर इस बनाइए। कोई भी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इसमें कुदरत, अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की कुदरत चीजें आया होती हैं, जैसे जहां आसमां जमीन फूल सूरज चांद गुलिस्तान मौसम दरख्त जानवर आबेरवा हवा सितारे परिंदे मेवे बादल इंसान पहाड़ चींटी तितली मछली और फर्शे खाकी। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग बुक वर्क आल्सो एंड वर्क बुक वर्क आल्सो, नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर नात। जी स्टूडेंट्स, हमने हम्द पढ़ा था, हम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, जबकि नात है, नात हम उसको कहते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। कम टू द सफा नंबर 5 स्टूडेंट्स, नात की रीडिंग करेंगे, नात के जो शायर है वो कौन है, महशर रसूल नगरी। ये लास्ट में स्टूडेंट्स देखें, इन्होंने जो है ये नात लिखी है, शायर है महशर रसूल नगरी। ये स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नात उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने पैगामे हक सुनाया, यानी कि शायर जो है कहते हैं उस नबी की तारीफ जिसने सदाकत का पैगाम दिया, हक का पैगाम सुनाया, इंसानियत का रास्ता रास्ता इंसान को दिखाया, यानी कि शायर ने इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखा दिया। माँ बाप जिससे खुश हो वो राह भी बताई, यानी कि शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे माँ बाप खुश हो वो रास्ता भी बताया, जिससे खुदा हो राजी वो गुर भी सिखाया, यानी कि किसी भी काम को करने का खास तरीका। कि शायद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी रास्ता बताया जिससे खुदा राजी होता है और उसका नूर, नेक्स्ट शेर, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने बज़्मे जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया, यानी कि शायद कहता है कि नूर उसका सबसे पहले किसने पैदा किया, खुदा ने किसका नूर पैदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
बस में जहां में लेकिन आखिर में सबसे आए कि सबसे पहले नूर जो है स्टूडेंट वो किसका पैदा किया गया बनाया गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन कायनात में वो सबसे आखिर में आए यानी कि नबी बन के आए। हर आदमी भी खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। इनके शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आदमी में मेहनत का राज खोल दिया कि उसे मेहनत करनी चाहिए, और जो बेखबर सो रहे थे बेपरवाह सो रहे थे उन्हें आकर जगा दिया। शोले बड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र और शर के, इंसान को उसने आकर उस आग से बचाया। यानी कि शायर जो है कहते हैं कि कुफ्र और शर के हर तरफ मुनकरदीन और बुराई के जो है वो शोले बरक रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आग को आकर बचाया। पहले जहां में हर सू तौहीद की शुआएं, शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हर तरफ अल्लाह ताला को मानने लगे, उसकी शुआएं जो है वो फैल गई, मशरिक भी जगमगाया और मगरिब भी जगमगाया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, यानी कि ये शायर का तखल्लुस है, ये जो अपने नाम के साथ महशर लगाते हैं ये इनका तखल्लुस है। तो कहते हैं महशर दुनिया जो है वो खुदा को भूली हुई थी, खालिक के दर पे उसने मखलूक को जगाया। मखलूक में नखल की जमा है लोग। खालिक के दर पे जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुकाया। नेक्स्ट स्टूडेंट मश्क है नात के फिल इन द ब्लैंक्स सफा नंबर 6, नज़म नात के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। डैश भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया, तो कहेगा मशरिक। शोले बड़क रहे थे दुनिया में डैश के कुफ्र और शर, डैश जिससे खुश हो वो राह भी बताई माँ बाप। डैश में लेकिन आखिर में सबसे आया बज़्मे जहां, जो सो रहे थे डैश आकर उन्हें जगाया गाफिल। कम टू द पेज नंबर 7, कवायद है स्टूडेंट्स। मुस्बत जुमले किसको कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन स्टूडेंट्स रीड अप करेंगे। वो सादा जुमले जिनमें काम का होना पाया जाए, यानी कि जिसमें काम का होना पाया जो कहलाते हैं मुस्बत जुमले। मसलन नूर खा रही है आमिर स्कूल गया, दिए गए जुमलों को मुस्बत जुमलों में तब्दील करें। अहमद स्कूल नहीं आया है, इसको हम मुस्बत जुमले में तब्दील करेंगे, अहमद स्कूल आया है। हमारे पास स्त्री नहीं है, हमारे पास स्त्री है। इस चिड़ियाघर में हाथी नहीं है, इस चिड़ियाघर में हाथी है। फायजा ने अम्मी की बात नहीं मानी, फायजा ने अम्मी की बात मानी। आसमान पर बादल नहीं है, आसमान पर बादल है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट मनफी जुमले। मनफी जुमले किसे कहते हैं? ऐसे जुमले जिनमें काम की नफी पाई जाए, यानी कि जिस काम में इनकार किया जाए, नहीं का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, उसको कहते हैं मनफी जुमले। मसलन मैंने झूठ नहीं बोला, आमिर स्कूल नहीं गया। स्टूडेंट सॉल्व आउट करेंगे वर्क, दिए गए जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें। दादी जान ने मुझे कहानी सुनाई, दादी जान ने कहानी नहीं सुनाई। पानी जाया करो, पानी जाया ना करो। नादी ने तमाम कबूतर उड़ा दिए, नादी ने तमाम कबूतर नहीं उड़ाए। आज बारिश का अमकान है, आज बारिश का अमकान नहीं है। कमरे इम्तिहान में बातें करते हैं, कमरे इम्तिहान में बातें नहीं करते हैं। इस्तफहामिया जुमले, इस्तफहामिया जुमले किसको कहते हैं? डेफिनेशन रीड आउट करेंगे। ऐसे जुमले जिनमें सवाल किया जाए, यानी कि जिसमें कोई भी क्वेश्चन किया जाए, इन जुमलों के इख्तिताम में सवालिया निशान आता है, मीन क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं। और क्या, क्यों, कैसे, कहां, किस, किसका, किस लिए, किस तरह, क्यों कर जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये सारे इस्तेमाल कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? इस्तफहामिया जुमले में। मसलन क्या ये अली की किताब है? और देखिये स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में नजर आ रहा है सवालिया निशान, तो हर इस्तफहामिया जुमले में आखिर में हम जरूर सवालिया निशान लगाएंगे। आप घर कब आएंगे? सवाल नंबर 8, सादा जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करें और आखिर में सवालिया की अलामत लगाएं। वो घर पहुंचे, क्या वो घर पहुंचे, ये देखिए सवालिया निशान। मस राइट हियर क्वेश्चन मार्क। हम वहां नहीं जा सकते, क्या हम वहां नहीं जा सकते। तुम्हारी किताब यहाँ है, क्या तुम्हारी किताब यहाँ है। ये उसका कलम है, ये किसका कलम है। तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं,
क्या तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं? स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव कंप्लीट द रीडिंग बुक वर्क. नाउ कम टू द वर्क बुक. सबक नंबर 2 ना वर्क बुक सफा नंबर 5. अल्फाज को मायने से मिलाइए. पैगामे हक, सदाकत और रास्ते का प्याम, गौर, किसी काम को करने का खास तरीका, बज़्मे जहां, आलम, दुनिया, कायनात, गाफिल, बेखबर, बेपरवाह, कुफ्रोशर, मुनकर दीन और बुराई, हर सू, हर तरफ, हर जाने, तौहीद, अल्लाह के एक होने का यकीन रखना. जी स्टूडेंट्स, दर्ज ज़ैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. नूर, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, रोशनी. ये नूर जो है ये रोशनी वर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है. राजी, हमें अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए. वर्कबुक सफर नंबर 6, सवालात के जवाब लिखिए. सवाल नंबर 1, हम रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल नहीं कर रहे हैं? अपने इर्द गिर्द मुशाहदा करें, करके कोई से 4 नकात की निशानदेही कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, वादा खिलाफी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वादा खिलाफी, झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, फजूल खर्ची. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट या किताबों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 इशादात ढूंढ कर लिखिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 इशादात दर्ज ज़ैल हैं. जितना काबू तुमको उस गुलाम पर है उससे ज्यादा अल्लाह को तुम पर है. अच्छे काम बुरे अंजाम से बचाते हैं. अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो है जो नेक और परहेजगार है. सफाई निस्तेमान है. सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है. वर्कबुक सफा नंबर 7, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ लिखिए. उन औसाफ में से वो कौन सी सिफत है जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं और क्यों लाना चाहते हैं? नंबर 1, खुश इखलाकी, वादा की पाबंदी, रहमदिली, तकवा, सब्र तहम्मुल, नमाज की पाबंदी, अमानतदारी, रास्तगोई. खुश इखलाकी यानी कि क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं क्यों लाना चाहते हैं? तो हम अपने अंदर लाना चाहते हैं खुश इखलाकी. क्यों? क्योंकि खुश इखलाकी ऐसा फूल है जो कभी मुरझाता नहीं है. अपने भाई को मुस्कुराकर मिलना भी सदकाए जारिया है. अच्छे काम बुरे अंजाम से बचाते हैं के बारे में आपकी और आपके साथी की क्या राय है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक नेक अमाल, गुस्से को बर्दाश्त करना, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना, दूसरों की गलतियों पर दरगुजर करना, इंसानियत की खिदमत करना, वालदैन की खुशनुदी हासिल करना, मेहनत से रिस्क कमाना, यही अमाल इंसान को बुरे अमाल से बचाते हैं. जी स्टूडेंट्स, वर्कबुक सफा नंबर 8, आप इंफरादी तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए क्या करना पसंद करेंगे और क्यों? मैं इंफरादी तौर पर समाजी कारकुन बनना चाहूंगी या चाहूंगा ताकि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकूं. मैं एक ऐसा लाया अमल मुहैया करना चाहती हूं या चाहता हूं कि वो अपनी तालीम जारी रख सके. जी स्टूडेंट्स, उर्दू अलिफ वर्कबुक इज कम्प्लीटेड. ना उर्दू कवायद व इंशा परदाजी. वर्कशीट नंबर 1. जी स्टूडेंट्स, लुक एट दिस. अपनी कमरे जमात में किसी दीवार की तरफ देखिए और लिखिए कि आप क्या देख रहे हैं. मसलन, मैं अपने सामने जो दीवार देख रहा हूँ उसके बारे में यूं बयान करूंगा. मेरे सामने एक साफ सुथरी सफेद रंग की दीवार है जिस पर भूरे रंग के खूबसूरत और कीमती घड़ी लगी हुई है. आपने देखा कि मैंने दीवार के बारे में बताते हुए सफात का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसकी सिफत बयान की है, अच्छाई खूबी बयान की है. इसी तरह आप अपने सामने की दीवार के बारे में बताइए. जी स्टूडेंट्स, मेरे सामने एक साफ सुथरी सफेद रंग की दीवार है जिस पर खूबसूरत चार्ट लगे हुए हैं और साथ ही व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि पढ़ाई के दौरान हमारे उस्तानी साहब इस्तेमाल करती हैं. एक तरफ टाइम टेबल लगा हुआ है जिसके मुताबिक हमारे रोजाना के लेक्चर्स होते हैं. जी स्टूडेंट्स, जुबानी मश्क, सफात के इस्तेमाल करते हुए हर तस्वीर के हवाले से आपने कम अज कम 4-4 जुमले लिखने हैं. ये देखें, जैसे ये गुलदान है, ये जो है अली, फॉर एग्जाम्पल अली सोया हुआ है. आप लोगों ने घर से दोराई के लिए
वर्कबुक सफा नंबर 35 जुबानी मर्ज सफात के इस्तेमाल करते हुए तस्वीर के हवाले से कम अज कम चार जुमले स्टूडेंट्स ये देखें। बाग, ये एक खूबसूरत बाग है, इसमें खूबसूरत फूल हैं, इस बाग में तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं, ये एक साफ सुथरा बाग है। आदमी, ये देखें आदमी, आदमी क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट्स देखें, आदमी मुस्कुरा रहा है, उस आदमी ने खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, उसका चश्मा भी अच्छा है, उसके जूतों का रंग काला है। बच्चा, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपनी सफाई का ख्याल रखते हुए दांत साफ कर रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बच्चा क्या कर रहा है, सफाई का ख्याल रखते हुए अपने दांत साफ कर रहा है। वो एक साफ सुथरा बच्चा है, वो एक खूबसूरत बच्चा है, उसकी कमीज का रंग क्या है, काला है। सुबह सवेरे, वो एक अच्छा बच्चा है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो वक्त की पाबंदी करता है, उसका बिस्तर भी साफ सुथरा है। जी स्टूडेंट्स, खाली जगह में खत कुशीदा अल्फाज के मुतजाद लिख कर जुमले मुकम्मल करें। मुतजाद कहते हैं किसी भी लफ्ज का उल्ट। जंग डैश को तबाह कर देती है, जंग अमन को तबाह कर देती है। अल्लाह की नज़र में हर आला और डैश बराबर है, आला अदना। एक मोमिन मुजाहिद के मुकाबले में 10 डैश भी शिकस्त खा जाते हैं, मोमिन काफिर। अक्सर दुकानदार सौदा नकद देते हैं, डैश नहीं नकद उधार। तकरीबन हर गुमनाम शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो डैश हो जाए, गुमनाम मशहूर। दुनिया में बाज़ दिलें कुदरती हैं और बाज़ बहुत सी डैश कुदरती मसनूई। मेरा शक डैश में बदल चुका है कि मेरा दोस्त ही मुझसे दुश्मनी कर रहा है, शक यकीन। अमानत में डैश करना एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, खयानत। कम टू द नेक्स्ट पेज, वर्कशीट नंबर 2। दी गई तस्वीर का मुवाजना कीजिए और दोनों की मुमासलत और तफरीक बयान कीजिए। तफरीक क्या है, PIA का जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर मुसाफिरों को लेकर जाने का काम आता है। जंगी जहाज हमारे मुल्क की दफा के काम आता है। मुमासलत क्या है, दोनों जहाज हैं और दोनों ही एयरपोर्ट पर हैं। मंदरजा ज़ैल वाहिद जुमले जमा जुमलों में बदलें। इस रिपोर्ट की मुकम्मल तफसील लिखो। इस रिपोर्ट की मुकम्मल तफसीलात लिखो। इस तकलीफ का क्या इलाज है, इन तकलीफ का क्या इलाज है। हाजी साहब तवाफ करने गए हैं, हुज्जाज साहिबान तवाफ करने गए हैं। हकूमत इस हादसे का सबब तलाश कर रही है, हकूमत इन हादसात के सबब तलाश कर रही है। कम टू द नेक्स्ट पेज, जुबानी मश्क है स्टूडेंट सरगर्मी। तस्वीर में मौजूद इसम की निशानदेही करनी है, वाहिद इसम के जमा बताइए और हर इसम के लिए कम से कम 2 सिफ्त तजवीज़ कीजिए। यह मश्क है स्टूडेंट्स। इसम क्या है, इसमें अलमारी, किताब, बच्चा, उस्ताद, बिल्ली। वाहिद अलमारी, अलमारियाँ, किताब, किताबें, बच्चा, बच्चे, उस्ताद, उसातजा, बिल्ली, बिल्लियाँ। मुहावरात है स्टूडेंट्स। दिए गए मुहावरात की मदद से जुमले मुकम्मल करें, इसके बाद हर जुमले का मतलब आसान अल्फाज में लिखिए। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बेचारा अरशद डैश लगा, बगले जांघ में। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बेचारा अरशद शर्मिंदा हो गया। मैं तो आज लाहौर आया हूँ, अली की तो डैश की आदत है बेपड़की उड़ाने की। मैं तो आज ही लाहौर आया हूँ, अली की अफवाहें उड़ाने की आदत है। आपकी अपनी कोई राय नहीं जो हर एक की डैश रहे हो, हाँ में हाँ मिलाना। आपकी अपनी कोई राय नहीं जो हर एक की बात मान रहे हो। जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को डैश कर दिया, जिंदा दरगोर। जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को जीते जी मार दिया। इस यादगार किस्से को आप डैश लें, कलम बंद कर लें। इस यादगार किस्से को आप लिख लें। दूसरों के काम आने और भलाई करने के लिए डैश पड़ता है, ज़र्फ़ पैदा करना पड़ता है। दूसरों के काम आने और भलाई करने के लिए हौसला बड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट पेज, उसने इम्तिहान में फेल होकर अपने उस्तादा और वालदैन की मेहनत पर डैश पानी फेर दिया। उसने इम्तिहान में फेल होकर अपने उस्तादा और वालदैन की मेहनत को जाया कर दिया। मास्टर साहब को गुस्से में देखकर खालिद के डैश की लब पर मोहर लग गई। मास्टर साहब को गुस्से में देखकर खालिद के होंठ सिल गए।
जो लोग डैश होते हैं उनसे अल्लाह ही बचाए शहद की छड़ी, जो लोग खुशामद पसंद होते हैं उनसे अल्लाह ही बचाए। हकीम साहब से मेरे वालिद की डैश ही नहीं थी बल्कि वो मेरे वालिद के अजीज़ दोस्त भी थे, साहब सलामत। हकीम साहब से मेरे वालिद की सलाम दुआई नहीं थी बल्कि वो मेरे वालिद के अजीज़ दोस्त थे। मंदरजा ज़्यादा जुमलों में मुहावरात की निशानदेही कीजिए। मुहावरे का मतलब दूसरे मुकालमे में दे दिया गया है। दुश्मन को देखकर उसकी आंखों में लहू उतर आया, सख्त गजबनाक हुआ, आपकी बातों ने उसे पानी पानी कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। इम्तिहान में अव्वल आने की खबर सुनकर वो फूला न समाया, बहुत खुश हुआ। सलमान और बिलाल यक जान दो कारिब हैं, गहरे दोस्त हैं। लड़कियां घर के कामों में अपनी वालदा का हाथ बटाती हैं, मदद करती हैं। उसने बहुत हाथ पाँव मारे मगर कहीं कामयाब ना हुआ, हाथ पाँव मारे कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड उर्दू कवायद इंशा एंड टू चैप्टर्स ऑफ उर्दू वर्क। स्टूडेंट मस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन यू कम्प्लीट योर वर्क। शुक्रिया स्टूडेंट्स।